दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रणवीर सिंह, आपके डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, तहसील गबहाना, गांव बलरामपुर से। मैं इस बिजनेस से पहले एक दूध का काम करता था और दूध के काम के करने के साथ साथ हम तीन भाई और तीन बहन हैं और मैं छोटा सा था जब स्कूल जाता था और बाकी छोटे से को छोड़कर मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए और बाकी मेरी मम्मी ने जो कि थोड़ी सी जमीन थी रातों रात पानी लगाने जाती थी लेकिन हमारे को महसूस नहीं होने दिया कि इनके पिताजी हैं या नहीं हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसी मेरी मम्मी के लिए सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मेरी मम्मी ने हमको महसूस नहीं होने दिया कि इनके पिताजी हैं या नहीं हैं, लेकिन जब मम्मी को हम देखते थे चार चार बजे सुबह को फावड़ा लेकर के और जब घर पर आती थी हमारी आंख खुलती थी तो उस समय हमें कुछ महसूस होता था, लेकिन इस कारण हम पढ़े लिखे नहीं थे। स्कूल में जो भी दो चार क्लास घूम के चले आए और उसके बाद हमने पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की और उसके बाद में अपनी भैंस का दूध ले जाकर डेयरी पे ले जाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमने एक अपने घर के दूध से और इतना बड़ा काम किया कि 10 बार एक कैन मेरे पे दूध होती थी, लेकिन होने के बाद काम अच्छा खासा चला और इसी बिजनेस से मकान भी अच्छे बनाए, कुछ जमीन भी ली, लेकिन कुछ परमात्मा को ऐसा मंजूर था कि हम तीन भाई और तीनों भाई न्यारे हो गए थे और न्यारे होने के बाद मैं अपनी एक मारुति वैन कार लेकर के आया था और मारुति वैन कार से मेरा गबहाना पर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में दोस्तों मेरे दोनों पैर चले गए थे और जब पैर चले गए तो मेरा कोई भी, जब घर का मुखिया की ये हालत होती है तो घर की स्थिति आप जानते हैं, यस या नो? लेकिन मैं 3-4 साल अस्पताल में रहा और उस समय मेरा जो कर्जा था, मेरा जो पैसा था लोगों पर, लेकिन वो भी मेरे को नहीं मिला और 2 साल मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे गांव वालों ने इतना सपोर्ट किया दोस्तों कि जिसका कोई मैं बोल नहीं सकता हूं। समय समय पर 2 साल तक खूब मेरे को सपोर्ट की और जब 2 साल मेरे को अस्पताल में हुए तो मेरे रीत रिश्तेदार और सब घर संबंधी सब मेरे को छोड़कर चले गए और उसी पीरियड में मेरा लास्ट ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन में मेरा एक भांजा और मेरी मैडम और मैं खुद था, लेकिन धन्यवाद देता हूँ अपनी मैडम को कि ऐसी मेरी मैडम मेरे को 1 जन्म नहीं 7 जन्म मिले, जबकि मेरे सामने, थैंक यू दोस्तों, जबकि मेरे सामने इन्होंने अपनी ज्वेलरी तक बेची, इन्होंने जो घर में लोहा तक होता था उसको भी बेच बेच करके अस्पताल में आती थी। आने के बाद मेरे को देखकर मेरे सामने खुश रहती थी लेकिन मेरे से अलग हट करके आंसू बहाती थी, रोती थी और ऐसे पहुंच करके मेरे सामने आती थी। उस समय मेरे को बहुत कुछ लगता था, लेकिन जब कोई भी बंदा दूध का काम करे, पैसा कमाए तो खर्चा भी अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन उस बंदे के सामने ये स्थिति हो तो बाकी 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो साला सल्फास खा सकता है या फिर खाट में सड़ सकता है कि नहीं है। थैंक सिस्टम, मैंने सल्फास नहीं खाई, मेरे लिए इतना बढ़िया मौका मिला, ऐसा सिस्टम मिला कि मेरे 5 डायरेक्टरों ने ऐसा सिस्टम बना दिया दोस्तों कि मैंने सिक्योर लाइफ में, अगर मैं कहीं पढ़े ले बच्चा जो 2-3-4-5 साल की एज में स्कूल जाता है और 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद सोचता है कि मैं कोई नौकरी करूं या कोई बिजनेस या जॉब करूं, है कि नहीं है? लेकिन 2-3-4 साल मैंने 14-12 साल पढ़ाई नहीं की, सिस्टम के हवाले अपने आप को किया, मेरे पे और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन थैंक्स अपॉर्चुनिटी,
थैंक्स सिस्टम, थैंक्स मेरे महागुरु के आज मेरे को बताते हुए फक्र होता है कि जिस समय चार पाई पे हम रोते थे और सोचते थे कि हमारा से एक सेक्रेटरी 1000 रुपये महीना की हमारी पिल्सन बांधे तो अभी हम अपना गुजारा कर सकते हैं, थैंक्स सिस्टम आज हम 1000, 2000, 4000 रुपये नहीं, लोग इतना पैसा कमाने की सोचते नहीं हैं। ये आज दूध बेचने वाला बंदा यहाँ से 50 से और 60 हज़ार तो पर मंथ भारत सरकार को टैक्स पे करता है, टैक्स पे करता है। थैंक यू दोस्तों, आज खुशी की बात है, जहां मैं सरकार को लूटने के लिए सोचता था 1000, 2000 महीने में मिले, आज जिस समुद्र में लोग लूटने के लिए पड़े हैं, पेंशन के लिए पड़े हैं, आज उसी समुद्र में मैं आज सिक्योर लाइफ की वजह से 4 बूंद डालने वाला बना हूं। यह है मेरे सिस्टम की पावर। थैंक यू दोस्तों, लेकिन जिस समय इसकी स्टार्टिंग की ज्वाइनिंग तो की, ज्वाइनिंग करने के बाद लोगों को प्लान दिखाता था, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो थी, पढ़ाई लिखाई न होने की वजह से मैं लोगों को बहुत प्लान दिखाता था लेकिन लोगों की समझ में प्लान नहीं आता था। और लोगों ने, मैंने कुछ लोग ज्वाइनिंग भी कराए अपने इलाके से कराए, लेकिन कराने के बाद दोस्तों मेरी कमजोरी थी, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लोगों ने मेरे को क्या क्या बोला कि ये लूटने के चक्कर में है, ये तो जेब काटने लगा। और आज इस जब लोग विश्वास नहीं करते थे और ऐसे ऐसे लोग बोलते थे तो दर्द होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था दोस्तों, ना ही मैं परचूने की दुकान कर सकता था, ना ही मैं खेती कर सकता था, लेकिन मैं कर सकता था तो सिक्योर लाइफ में घूम घूम करके लोगों से बातचीत कर सकता था, है कि नहीं है, बातचीत कर सकता था। लेकिन उसी समय लोग भी ज्वाइनिंग कराए, लोगों ने विरोध भी किया, कमजोरी थी और लोगों ने मेरे से पैसा भी मांगना शुरू किया और एक आध दो चार बंदों के मैंने पैसा भी रिटर्न किए, थैंक्स सिस्टम। आज जब मैंने अपने बिजनेस में नहीं लगता था कि 2 लोग आएंगे 4 लोग आएंगे, आज मेरा परिवार क्या फर्क पड़ता है, मैं और मेरी मैडम थी, धन्यवाद ऐसा सिस्टम, आज मेरा परिवार मेरे साथ 14-15 हज़ारों का बन चुका है, 14-15 हज़ार लोगों का बन चुका है। थैंक यू दोस्तों, आज इस बिजनेस से मेरे को सब कुछ मिला है। आज मेरे को इस बिजनेस से, जहां मेरे 3 बच्चे थे, मैडम ने बताया था कि बगैर फीस के स्कूल से बच्चों को निकाल दिया, मेरे गांव वाले यहां पे बैठे हुए हैं, ये स्थिति थी। जब 3 बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और 6 किलोमीटर पे बच्चे पैदल आते थे, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मां कसम खा के कहता हूं कि आने वाले समय में मैं 3 बच्चों की नहीं 300 बच्चों की फीस माफ करूंगा इसी सिक्योर लाइफ की वजह से, 300 बच्चों की फीस। थैंक यू दोस्तों, लेकिन अभी क्या है, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो डायमंड बना हूं, लेकिन 25,000 पर डे और महीने का कितना आता है, 8 लाख, और साल का कितना आता है, 1 करोड़। आप लोगों को चाहिए, चाहिए, जब मेरा जैसा यहाँ डायमंड बन सकता है तो मेरे को उम्मीद है कि इस हॉल में ऐसा आज इंसान की बात छोड़ें, लेडीज भी नहीं है कि जो इस बिजनेस में डायमंड ना बन के दिखाएं, हर एक शख्स दिखा सकता है। थैंक यू दोस्तों, लेकिन करोड़ रुपए साल का नहीं, आज हमारे महागुरु जी बताते थे कि बेटा एक बार डायमंड बन जा, तेरा एक जन्म नहीं, तेरी 3-4 पीढ़ी एक रहीस और जन्म जन्म के लिए टाटा बन जाएगा तेरा खानदान। तो दोस्तों मैंने डायमंड बन के दिखा दिया है सिक्योर लाइफ में। थैंक यू दोस्तों, लेकिन मैंने गांव छोड़ा, जब लोग मेरे पीछे लगे, विरोध हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे इतना भी नहीं था कि मैं लोगों को चाय भी पिला सकता हूं, मेरी मजबूरी थी, मैंने गांव छोड़कर इस बिजनेस को राया में एक रूम लेकर के किया। उस समय की हालत, मेरे लीडर यहां पे बैठे हुए हैं जहां उस हॉल में उस रूम पर जाया करते थे, ढेर सारे लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं,
जब मेरा कोई भी लीडर मेरे पास पहुंचता था तो दोस्तों मेरे बच्चे प्यारे नहीं थे, मेरा वो लीडर प्यारा था। लेकिन उस लीडर को जिस समय में रूम पे आते थे तो रात को रुक भी जाता था कोई लीडर, लेकिन वो भी दिन था दोस्तों कि मेरी मैडम किचन के अंदर कपड़ा डाल करके रात रात बच्चों को लेकर के किचन में भी सोची थी। थैंक यू दोस्तों। लेकिन आज मेरे को बताते हुए फक्र की बात है कि आज मैडम किचन में सोती थी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरी मैडम 27 लाख रुपए के मकान में जाने वाली है सिक्योर लाइफ की वजह से, 27 लाख रुपए के में। थैंक यू दोस्तों। बाकी उस दिन से और आज तक मैंने इस बिजनेस को अपना बिजनेस माना है, ना ही मैंने किसी अपलाइन का ना ही मैंने किसी डाउनलाइन का। मेरी मजबूरी थी इस बिजनेस को करना, मेरी चाहत थी, क्योंकि कर्जा था, इतना कर्जा था कि मेरे गांव के और क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं कि इतना कर्जा था कि अगर मैं खेत को बेच करके भी उन लोगों का कर्जा पटाता तो भी मेरे को आत्महत्या करनी पड़ती, कर्जा नहीं पटता था, इतना कर्जा था। थैंक यू दोस्तों। उसी समय मेरे को लगा, मेरे अपलाइनों ने बताया कि रणवीर जी तेरे को अगर सब कुछ करना है तो तेरे को साइड हट। लेकिन मैं साइड हटा, जिनका कर्जा था वो मेरे सामने नहीं आते थे, क्यों कि मैं उनसे कुछ दूरी बनाई थी। यस या नो? लेकिन कर्जा आज मैं स्टेज के माध्यम से बोलता हूं दोस्तों कि उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पे कर्जा था, आज शेर की तरह, खुले शेर की तरह घूमता हूं और आज लाखों रुपए पॉकेट में रहते हैं और जिस मॉल में जाता हूं तो सालों लाखों रुपए से कम की शॉपिंग नहीं करके आता हूं, लाखों से शॉपिंग नीचे करके नहीं आता हूं। थैंक यू दोस्तों। आज मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है सब कुछ इसी सिक्योर लाइफ की अपॉर्चुनिटी की वजह से आया है। अगर ये बिजनेस मेरे समझ में नहीं आती, मैं इसको नहीं कर पाता तो आप जानते हैं क्या हालत हो सकती है क्या नहीं है? यस या नो? बाकी आज इस बिजनेस ने मेरे को सब कुछ दे दिया है और इस बिजनेस ने एक रईस बना दिया है और आज इस बिजनेस से मेरे पास सब कुछ है। आज मैं अच्छे मकानों में रहता हूं, आज कार से सफर करता हूं, आज जो भी दिल करता है लोग सोचते हैं सब्जी खरीदने के लिए, रेट पूछते हैं। दोस्तों आज मैं और मेरी मैडम सोने का भाव नहीं पूछती है, जो भी अच्छा लगता है उसे पॉकेट में डाल लेते हैं, इस पॉकेट में डाल लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग, मैं जाता था, लोग बोलते थे ये तो कुछ लोन से कार लेकर के आया होगा, बताएंगे। लेकिन आज कार तो मैं अपने आप से वायदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं सिस्टम बनाने वालों को और धन्यवाद देता हूं अपने गुरुओं को कि मेरे को ऐसा रास्ता है, ऐसा सिस्टम दिया है कि मैं जब तक मेरी फैमिली में सांस है और मेरे में सांस है, जब तक मैं खाना खाऊंगा तो सिक्योर लाइफ, और मैं गाना गाता हूं तो सिक्योर लाइफ, अगर मेरे मोबाइल में चलता है तो क्या चलता है? सिक्योर लाइफ। अगर घर में मेरे बच्चे गाना गाते हैं तो किसका? सिक्योर लाइफ। अगर घर में साला कुत्ता भी रहेगा या तो गाना गाएगा सिक्योर लाइफ, नहीं लाठी से चल बाहर।